तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों की काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। तो आप क्या करें, आपको सुनकर काफ़ी खुशी होगी कि ये हम लोगों के लिए क्या असर लेके आए हैं, है कि नहीं? तो सही बात है, आप सही सुन रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात लेकर आया हूँ, जो कि आपका ये सिलेबस का बात है, वही कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। तो आपको ये टेंशन छोड़ देनी है कि अब सर कौन सा चैप्टर को पढ़ा जाए, कौन सा चैप्टर को पढ़ा नहीं जाए। तो ये सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी है, अब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा तो आपको फिर नंबर उठाने में काफ़ी आसानी होगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी सिलेबस की जानकारी होगी और आप उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, नहीं तो कम से कम एक आदमी को जरूर शेयर किया। और वैसे खासकर जो छात्र के मतलब आपके एक शेयर करने से वैसे छात्रों को काफ़ी हेल्प होगा जिनके पास पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है? तो आप जरूर से जरूर शेयर करें। तो आपका 2022-23 का जो सिलेबस इस प्रकार आया हुआ, प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, मतलब पहला और दूसरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है, कम्बाइंड सिलेबस, मतलब आपको यहाँ पे पब्लिश हुआ है जो 22-23 के लिए, कक्षा 9 और 12 के लिए। सबसे पहले कक्षा 9 का सिलेबस दिया गया है, जैसा कि बाकी वर्षों की तरह सिलेबस भी दिया जाता है, ठीक है? तो कक्षा 9 की जो आपकी सिलेबस है, वो सबसे पहले आपकी यहाँ पे संस्कृत की है। तो संस्कृत में आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके 6 चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं। उस प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे चैप्टर आपको टर्म 2 में आने वाले हैं। ये तो आपके हिंदी मतलब ये आपके हो गए, आपके किसके, नॉम के लिए। मैं कक्षा 10 के सारे सिलेबस के बारे में बताता हूँ, ठीक है सर? तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे और एकदम अंत तक बने रहे, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो शैक्षणिक सत्र 22-23 कक्षा 10, मतलब कक्षा 10। तो सबसे पहले आपका संस्कृत का सिलेबस इस प्रकार है। सिलेबस 1, जिसमें से आपको चैप्टर 1 पढ़नी, चैप्टर 2 पढ़नी, चैप्टर 3 पढ़नी, चैप्टर 4 पढ़नी, चैप्टर 5 पढ़नी, चैप्टर 6, ये सभी आपको टर्म 1 में पढ़नी है। और इन चैप्टर को छोड़कर बाकी आपको टर्म 2 पे आनी होगी, ठीक है? उसके बाद हमारा सिलेबस आता है इंग्लिश का जो सिलेबस है। तो टर्म 1 में हमें ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, ड्यू ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ना है, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना है, अ टाइगर इन द जू पढ़ना, द थीव ऑफ स्टोरी पढ़ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एलिमल्स, द मिड नाइट विजिटर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, अमेंडा, अ क्वेश्चन ऑफ ए ट्रस्ट, द 100 ड्रेस 1, एनिमल्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सीन पे, मतलब यहाँ तक जितना तक मैंने अभी तक प्लस 16 चैप्टर मैंने बताया, जिसमें से आपको टर्म 1 में ये दोनों बुक का मिला के पढ़ना है, ठीक है सर? उसके बाद आपका जो टर्म 2 का जो सिलेबस है इस प्रकार है, द 100 ड्रेसेस 2, ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, द ट्रीज, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मिगविल द ऑथर, फॉग, द नेकलेस, मैडम राइड्स द बस, द ट्रेल ऑफ द कस्टार्ड ड्रैगन, द हैक ऑफ अ ड्राइवर, द सैमरन ऑफ इबनारस, फ्रॉम एनी ग्रोसरी, भोली, द प्रपोजल, द बुक दैट सेव द अर्थ, द ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव, ये टर्म 2 पे पढ़नी है, चैप्टर बुक से क्या। अब मैं ग्रामर सेक्शन पे बताना चाहता हूँ। तो ग्रामर सेक्शन में टर्म 1 के लिए पढ़नी है फिर सीन पैसेज, देन अनसीन पैसेज, डिस्कर्सिव, लेटर राइटिंग और फॉर्मल, दोनों लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़नी है, पैराग्राफ राइटिंग, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मॉडल्स, नन फिनाइट्स, क्लॉज, रिविजन करनी। टर्म 2 में आपको ग्रामर सेक्शन से पढ़नी है कन्वर्सेशन डायलॉग्स, रोल प्ले, शॉर्ट स्पीच एंड स्किल पढ़नी है, सीन पैसेज फिर से दोबारा पोएम वाले, अनसीन पैसेज फैक्चुअल जो बुक से आते हैं, अनसीन पैसेज डिस्क्रेसिव जो कि आपको बुक से नहीं रहेंगे, लेटर राइटिंग फिर से पढ़नी है, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल फिर से पढ़नी, एक्टिव पास इस बार पढ़नी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़नी, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी और फिर फाइनली रिविजन करनी। तो ये आपके हो गए ये इंग्लिश सेक्शन के। अब हम लोग चलते हैं हिंदी सेक्शन, हिंदी सेक्शन में बाद में चलते हैं, पहले हम लोग चलते हैं आपका मैथ और साइंस सिलेबस में चलते हैं, ठीक है? तो मैथ में सबसे पहले हम लोगों का जो सेक्शन आता है मैथ में देखते हैं, ठीक सर? तो मैथ में आपको रियल नंबर मतलब
हमें पहला चैप्टर जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या एकदम पढ़ना है टर्म वन में, टर्म वन के सिलेबस वास्तविक संख्या पहला चैप्टर। उसके बाद होता है बहुपद पढ़नी है आप लोगों, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़नी है, उसके बाद हम लोग को एपी पढ़नी है, उसके बाद हमें त्रिभुज पढ़नी है, उसके बाद हमें वृत्त पढ़नी है, और सातवां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़नी। मतलब ये आपके जो चैप्टर है टर्म वन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन सा मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। पहला आपका हो गया कि वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, एपी मतलब त्रिभुज, वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो टर्म टू में आपको बाकी चैप्टर पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स आपको द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स आपके क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के परिचय, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन टेन एन कंस्ट्रक्शन जो रचना करना पड़ता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मतलब ये आपको आयतन से रिलेटेड, स्टैटिक्स मतलब मीन मोड मीडियन, प्रोबेबिलिटी मतलब आपको बस प्रायिकता पढ़ना। मतलब फाइनली जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ना है, जिसमें से आपका 7 चैप्टर आपके टर्म वन में पढ़ने, 8 चैप्टर आपके टर्म टू में पढ़ने, मतलब कुल मिला के आपके 8 से 15 हो गया। तो कहने के मतलब आपको पूरे बुक का सिलेबस पढ़ना, पूरा बुक का चैप्टर पढ़नी है। ये आपके मैथ के थे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में देखते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला साइंस का पहला सेक्शन आता है फिजिक्स में, टर्म वन में हमें पढ़ने प्रकाश का प्रावर्तन और उसके नियम, और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये दो चैप्टर टर्म वन पे आने वाले हैं, ठीक। टर्म टू पे फिजिक्स के विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना, ऊर्जा के स्रोत मतलब ये इकोलॉजी वाले पार्ट, मतलब 3 चैप्टर आपके टर्म टू में और 2 चैप्टर आपके टर्म वन में, ये फिजिक्स के हो गए। उसके बाद केमिस्ट्री में देखें, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हमें टर्म वन में पढ़ने, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, अम्ल क्षार और एसिड एंड बेस, धातु एंड धातु, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़नी। फिर टर्म टू में पढ़नी है कार्बन एवं उसके यौगिक मतलब आपके क्या बोलते हैं कार्बन एंड उट्स मैकेनिज्म एंड तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर को पिछले बार के सिलेबस में हटाया गया था, लेकिन इस बार फिर इस चैप्टर को ऐड किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये चैप्टर भी पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। तो बायोलॉजी सेक्शन के टर्म वन में आपको क्या आते हैं, जैव प्रक्रम, दूसरा जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये आपके चले गए टर्म वन में चले गए। और हाँ, टर्म टू में आपके जो इसके जो चैप्टर नियंत्रण नियंत्रण सो मैंने टर्म टू पे चला गया, अनुवांशिक गुण मतलब क्या बोलते हैं उसको हाँ जो भी हमारा पर्यावरण, ये तीसरे चैप्टर मतलब तीसरा मतलब इसमें कुल मिला के आपको चैप्टर पढ़ने हैं सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो टर्म वन में 2 चैप्टर फिजिक्स से, 3 चैप्टर केमिस्ट्री से और 3 चैप्टर बायोलॉजी से, आपके 3, 3, 6, 6 और 2, 8 चैप्टर, और इसके बाद 3 और 2, 5, 5 उसमें भी 8 मतलब टोटल पढ़ने हैं हमें चैप्टर, समझ लिया। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेशर है, तो आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लें, आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि आपके पास सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसके बाद आपकी पढ़ाई भी काफ़ी पीछे हो सकती है बहुत सारे, क्योंकि ये सरकार के इस गलत फैसले की वजह से क्या होता था, टीचर वगैरह भी डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या होता था, कोई सोचा कि एग्ज़ाम होगा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इस वजह से काफ़ी पीछे चल रहे। अब चलते हम लोग आपके हिस्ट्री सेक्शन, सिविक्स और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद टर्म वन के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों टर्म वन के हैं। टर्म टू के लिए भूमंडलीकृत, विश्व का बनना, औद्योगिक युग, मुद्रण, संस्कृति, आधुनिक दुनिया, ये टर्म टू में पढ़नी। आपकी सिविक्स में है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र, विविधता, जाति और धर्म, लैंगिक मामले, ये आपको टर्म वन में। टर्म टू में पढ़ने जनसंघर्ष, आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्रीय चुनौतियाँ, ये आपके सिविक्स में। ज्योग्राफी में पढ़ने संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, ये टर्म वन में। टर्म टू में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है टर्म टू में। टर्म वन में पढ़े इकोनॉमिक्स के विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र, दूसरा आपको पढ़ना टर्म टू में मुद्रा एवं शास्त्रीय वैधिकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, ये रहे आपके मैथ के, साइंस के और SST के ये जो सिलेबस थे, इस प्रकार 10 के। उसी प्रकार आपको बाकी बाकी क्लास के भी जो सिलेबस है, तो मैं 11 का बता देना चाहता हूँ कुछ। तो 11 में आप लोगों को PCB का बता देना चाहता हूँ, PCB। अच्छा, मैं आपको सारे ये मतलब वीडियो को लिंक दे दूंगा,
और उसके बाद मेरे पिछले वीडियो को भी लिंक दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके। और मैं अपने इस सिलेबस का जो मतलब डाउनलोड करने की लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में था, वहां से डाउनलोड करके आप इसे अपने से रीड कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बुक में टिक करके आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू दिन जारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये न्यूज़ सुन के और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत सारे टीचर को, स्कूल सेक्शन सभी लोगों को काफ़ी खुशी होगी सिलेबस आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग सबको पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करके अपने रिजल्ट को बेहतर करनी है। ऐसा नहीं कि अब सिलेबस आ गया तो एकदम नहीं पढ़ना है, जैसे पार वैसे निकाल देना, नहीं, ठीक वाले ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी से ही एकदम तैयारी को एकदम बरकरार रखने, तैयारी किसी भी हालत में छोड़नी नहीं और बेहतर रिजल्ट देने, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीद आशा होती है, क्योंकि आपके माँ बाप होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं। क्योंकि माँ बाप क्या होते हैं, आपको 9 साल तक 10 साल तक पढ़ाते हैं, उसके बावजूद एक बार की खुशी मांगते हैं और ये चीज़ आप नहीं दे पाते तो उन्हें बहुत बड़ा दुख लगता है। और भाई बहन की ये खुशी होती है कि आपके छोटे भाई बहन होते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर मेरा बढ़ावा ऐसा है तो हम उस मोटिवेट मिलता है उन लोगों को। तो आप क्या करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर करें और अच्छा करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, है कि नहीं। तो चलो फाइनली अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है। तो आप क्या करें, वीडियोस को देखें पूरे और उस लोगों को बताएं, शेयर करें और एंडेड क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, है कि नहीं। तो ठीक है।